अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा दूसरा सेशन, सॉरी आज का हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। लास्ट सेशन में हमने बात की थी थ्योरीज के हवाले से, और जिसमें हमने एक थ्योरी रियलिज्म, जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट और डोमिनेटिंग थ्योरी IR की है, उसके हवाले से हमने बात कर ली थी। अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जाते हैं, जो कि है लिबरलिज्म। सही है। पहला पॉइंट, लिबरलिज्म इज वन ऑफ द मेन थियोरीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इट फोकसेस ऑन डेमोक्रेसी एंड कोऑपरेशन। अच्छा जी, लिबरलिज्म भी एक और इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है IR की, ठीक है, जो कि किस पे फोकस करती है? डेमोक्रेसी और कोऑपरेशन पे। अच्छा जी, जितनी भी थियोरीज हैं उन सब का एक थीम है। जैसे रियलिज्म का थीम था पावर, इसी तरीके से लिबरलिज्म का थीम है डेमोक्रेसी, कोऑपरेशन मतलब फ्रीडम। सही है। फ्रीडम के बारे में बात करते हैं कि भाई किसी चीज में बांधो नहीं, फ्री करो। डेमोक्रेसी का हमें मतलब पता है, जमहूरियत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वॉर्शिप, फ्रीडम ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें हमारे फ्रीडम में काउंट होती हैं। ठीक है। तो जो बेसिक लिबरल थीम है वो फ्रीडम है। वो आजादी के हवाले से बात करते हैं कि किसी चीज में बांधो नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं कि लिबरलिज्म हमें क्या बताता है और इसके क्या व्यूज हैं। लिबरलिज्म बिलीव्स दैट इंडिविजुअल एंड स्टेट्स आर कैपेबल ऑफ कोऑपरेटिंग बिटवीन ईच अदर डिस्पाइट एनार्की। अच्छा, इंडिविजुअल्स की यहाँ पे बात आई, तो इंडिविजुअल्स और स्टेट, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो अदर एक्टर्स हैं, वो और रियासत, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स और रियासत के दरमियान कोऑपरेशन हो सकती है। इनार्किक ऑर्डर में भी उनके दरमियान कोऑपरेशन हम कर सकते हैं, कोऑपरेशन की बात हो सकती है। वो बातचीत करके चीजों को सुलझा सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटी है हर चीज को सॉल्व करने के लिए। जैसे रियलिज्म, हर चीज में पावर चाहिए, क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रक्शन, वायलेंट की बात करता है। रियलिज्म उस तरह नहीं देखता। रियलिज्म क्योंकि रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में ह्यूमन नेचर बहुत पॉजिटिव है, बहुत काम है, बहुत खुश मिजाज है, तो वो कहता है कि इस एनार्की इन्वायरमेंट में भी स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान कोऑपरेशन का मामला तय हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिबरलिस्ट बिलीव्स दैट बाय इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग स्टेट्स रिड्यूस द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। अच्छा, लिबरलिस्ट का मानना है कि आप इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, अगर इंटरडिपेंडेंस होता है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना, ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि स्टेटिज्म की बात पे क्रिटिसिज्म आया था कि वर्ल्ड स्टेट रियासत आइसोलेशन, टोटल आइसोलेशन में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, बहुत सारी चीजों में ये वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स के तहत डिपेंडेंट होती है दूसरे स्टेट्स पे। कहने को तो वो सॉवरन है, लेकिन वो फुली सॉवरन नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो कि उसको बातचीत के जरिए हल करने होते हैं। ठीक है। जो कि उसको कोऑपरेशन के जरिए हल करने होते हैं। तो यहाँ पे यही बात बता रहा है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को इतना इंक्रीज कर दो, वो जब इकोनॉमिकली एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब उनके एक स्टेट को पावर चाहिए, क्यों चाहिए? पावर चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? हथियार आएंगे, डिफेंस सिस्टम चाहिए, उसको अपना दबदबा रखना है। चाइना सुपर पावर, क्या कहते हैं, सुपर पावर USA है, लेकिन चाइना इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है हमारी। ठीक है। वो इमर्ज हो चुकी है, लेकिन उसको बोलते हैं क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि पूरी ही दुनिया उस पर इंटरडिपेंडेंट हो गई है। हर चीज बनती है चाइना मैन्युफैक्चर करता है, एप्पल आईफोन चाइना मैन्युफैक्चर करता है, क्योंकि लेबर कम लेता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताने, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस समझाने के लिए मैंने आपको ये मिसाल दी है। तो जी, लिबरलिस्ट कहते हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं, और वो ये बात बोलते हैं कि अगर हम उनके दरमियान इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट और वॉर का जो चांस है वो कम हो जाएगा, वो
क्या कहते हैं, खुद ब खुद कम होता जाएगा क्योंकि इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, ठीक है। इमैनुअल कैंट, अ लिबरलिस्ट, कैंट एक लिबरलिस्ट है, ऑल्सो बिलीव्ड दैट स्टेट्स डिस्पाइट द एनार्किक एनवायरमेंट कुड ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ परपेचुअल पीस। एनार्किक, वही बात जो उसको थोड़ा अदर वर्ड में उन्होंने भी यही बात कही जो एक लिबरलिस्ट हैं कैंट ने, कि एनार्किक एनवायरमेंट होने के बाद भी हम पीस बहुत और सारे तरीकों से भी अमन कायम कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट्स के दरमियान। की रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू कांट वर, उनकी जो अकॉर्डिंग टू कैंट के जो की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी, लोग जंग स्टेट्स रियासत जो होंगी वो जंगों पे नहीं जाएंगी, इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंस कर दो भाई, इकोनॉमिक ये इज इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब इसको हम ये भी कहते हैं और ये भी कहते हैं, ठीक है, टू उसके टू वर्ड्स हैं, मीनिंग सेम है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फर्क नहीं है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट, जब इंटरडिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली वॉर के चांसेस, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जब रियासतें एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगी तो उनको हर मामला में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा, तो जंग की तरफ कोई नहीं जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए वो दूसरे मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन देखेंगे कि भाई हमारे पास और क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, जंग नहीं करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और उसके तहत एक प्लेटफॉर्म हो, जैसे हमारा यूएन प्लेटफॉर्म है, उसके तहत क्या कहते हैं, मसले हल किए जाएं और दूसरे इश्यूज को वहां पे रिजॉल्व या बातचीत की जाए पीस को कायम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, बेसिक लिबरल अजम्पशंस क्या हैं? फॉर लिबरलिस्ट, ह्यूमन नेचर इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब बहुत पॉजिटिव, खुश मिजाज, जैसे बताया। अब रियलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, कि ह्यूमन जो नेचर है वो बहुत वायलेंट है, डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन लिबरल का मानना है नहीं, वो बहुत खुश मिजाज है, वो बहुत क्या कहते हैं, काम है, वो कोऑपरेट करने वाला उसका नेचर है। और उन्होंने रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, कि वो बहुत रैशनल है, सेल्फिश है। लिबरलिस्ट उसको कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो खुश मिजाज है, वो कोऑपरेशन का, कोऑपरेट की लैंग्वेज इस्तेमाल करने का नेचर है उनका, वो कॉन्फ्लिक्चुअल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिबरलिस्ट स्टेट दैट इंटरनेशनल रिलेशंस कैन बी कोऑपरेटिव इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्चुअल। अच्छा जी, रियलिस्ट ने बोला था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अनअवॉइडेबल है, उसको हम रोक नहीं सकते, वो होंगे, क्योंकि पावर की स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर पावर के दरमियान रियासतें लड़ेगी। और यहाँ पे लिबरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या बता रहा है, कि कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्चुअल, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला नहीं है, उसका नेचर कोऑपरेटिव है, वो कोऑपरेशन के थ्रू सारे मामलात हल करेगा, वो कोऑपरेशन के थ्रू इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। लिबरलिस्ट बिलीव्स इन प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस में बिलीव करता है, प्रोग्रेस मतलब ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होनी चाहिए, एडवांसमेंट होना चाहिए। मुल्क अगर एक रियासत तरक्की कर रहा है तो वो हर एस्पेक्ट से, हर खित्ते में तरक्की करे अपने उससे, ना कि मिलिट्री फोर्सेस पे ही सिर्फ उनकी तवज्जो हो, ठीक है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू फोर मेन स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग्स, ठीक है। दूसरी जंग अजीम के बाद जो लिबरलिज्म की थ्योरी है वो चार मेन स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग में, चार मेन स्कूल क्या कहते हैं उसमें डिवाइड हो गई थी स्टैंडर्ड्स में, जो चारों नीचे लिखी हुई है लाइन से। फर्स्ट है इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, रिपब्लिकन लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। चले पहला देखते हैं इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म हमें क्या बताता है। अच्छा जी, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म मीन्स म्यूचुअल डिपेंडेंस, वही बात कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के तहत, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है, पीपल एंड गवर्नमेंट आर अफेक्टेड बाय व्हाट हैपेंस एल्सवेयर,
by the action of their counterparts in other states. अच्छा जी, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट्स हैं, जो भी रियासतें हैं और जो उनके लोग हैं, जो भी लोग हैं वो कहीं पे भी अगर कुछ भी ग्लोबली फिनोमेना पे कुछ भी हो रहा होगा उससे उसको काउंटर पार्ट करने के लिए एक एक्शन हुआ, अगर हमने उसका रिएक्शन दिया तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट हमारी सराउंडिंग्स पे भी पड़ेगा। उसी तरीके से ग्लोबल स्टेज पे, वर्ल्ड स्टेज पे कोई एक्शन किया जाता है, कोई दूसरा स्टेट उसका रिएक्शन देता है तो उसका इफेक्ट गवर्नमेंट्स पे भी पड़ेगा और दूसरे इंसानों, सिटीजन, उनकी नेशंस पे भी पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा पॉइंट, हाई लेवल ऑफ ट्रांसनेशनल रिलेशंस बिटवीन स्टेट कैन लीड हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, हाई लेवल ऑफ ट्रांसनेशनल रिलेशंस होंगे स्टेट्स के दरमियान तो वो उतने ही ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ट्रांसनेशनल जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, डिफरेंट ब्रांचेस आप देखते हैं, इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन है, वो यूरोपियन यूनियन ट्रांसनेशनलिज्म को बताता है कि उनके दरमियान उन्होंने फ्री स्टेट कर दिया, बॉर्डर्स हटा दिए, शेंगेन वीज़ा दे दी कि आप भाई इन स्टेट में आप पे कोई बॉर्डर मतलब कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। जब ऐसा जब ट्रांसनेशनल रिलेशन पैदा होते हैं रियासत के दरमियान तो वो ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी के लेवल को बढ़ा देता है। थर्ड पॉइंट है, बेसिकली लिबरल्स आर्ग्यूड दैट अ हाई डिवीजन ऑफ लेबर्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमी इवेंचुअली इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन स्टेट which ultimately discourage to reduce violent conflict between states. ठीक है, वही बात कि जब हम अपना इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हमें अपने बिजनेसेस बढ़ाने पड़ेंगे, बिजनेसेस बनाने के लिए हमें उसमें लेबर क्लास लानी पड़ेगी, जब लेबर बढ़ेगा, लेबर क्या कहते हैं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि एक चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं तो उसको इंक्रीज करने के लिए इवेंचुअली जब वो हर जगह फैल रही है, एक इकोनॉमिक कोई भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो बहुत सारे मुल्कों में फैली हुई है तो उसकी वजह से जो भी उनको मुफाद या प्रॉफिट हो रहा है वो उनके इंटरेस्ट, उनके स्टेट के इंटरेस्ट से भी जुड़ा हुआ है। अब जब वो उनके स्टेट के इंटरेस्ट से भी जुड़ा हुआ है तो वो स्टेट्स आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हो गए, सही है। जब वो इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वायलेंटली रिजॉल्व नहीं किए जाते, फिर वहाँ पे कोऑपरेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अबव सिंपल काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मेन फोकसेस आर, अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्वालिटी वाइज डिफरेंट है, क्वांटिटी वाइज डिफरेंट, क्वालिटी वाइज मतलब उसमें उसकी खसूसियात, उसके पॉइंट्स, उसका नज़रिया थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, जैसे इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट या पॉइंट्स है। ठीक है, अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या किस चीज़ पे फोकस करता है, इंक्रीज लिंकेजेस अमंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर। जी, स्टेट, रियासत और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं, जिसमें मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस आ जाती हैं, IGOs, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, NGOs, नॉन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, उनके दरमियान लिंकेज, उनके दरमियान रिलेशन को इंक्रीज किया जाए, वो भी मेन एक्टर है। जैसे रियलिस्ट बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ रियासत मेन एक्टर है, बाकी इंटर स्टेट रिलेशन के तहत, इंटर स्टेट रिलेशन के फ्रेमवर्क में अपना पार्ट प्ले करते हैं, ऐसा नहीं है। लिबरलिज्म कहते हैं वो भी रियासत के साथ साथ उतने ही इम्पॉर्टेंट एक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द डिक्लाइन ऑफ द एफिकेसी ऑफ मिलिट्री फोर्स एज अ टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अच्छा जी, एफिकेसी का मतलब है असर, सही है, मिलिट्री फोर्सेस का मुतासर मतलब हो जाना, कि मिलिट्री फोर्सेस को डिक्लाइन किया जाए, कि मिलिट्री फोर्सेस आप अपने हथियार बढ़ा रहे हैं बजाय अपने हथियारों के, वो आप अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, अपने दूसरे क्या कहते हैं जो भी आपके रियासत के इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर फोकस करें।
सिर्फ मिलिट्री फोर्स ही यूजफुल टूल नहीं है, बल्कि वो लेस यूजफुल टूल है एक स्टेट के लिए, एक रियासत के लिए, ठीक है। जबकि रियलिस्ट इस बात से, रियलिस्ट बिल्कुल इसके अपोजिट है, वो कहते हैं कि नहीं, मिलिट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें पावर हासिल करनी है तो हमें मिलिट्री अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी फोर्सेज, अपने हथियार, उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, वेलफेयर नॉट सिक्योरिटी इज बिकमिंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड कंसर्न्स ऑफ स्टेट। वेलफेयर जो है, यहाँ पे सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही, वेलफेयर का मतलब कि सोशल वेलफेयर के तहत उसको ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए कि भाई फलाह बहदूद के लिए काम करे, ह्यूमंस के लिए काम करे, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करे, और बाकी सारी चीज़ों, और बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज है, उन सारी चीज़ों को ये अपना प्राइमरी गोल करे कि वो वेलफेयर के लिए उसको अपना प्राइमरी गोल और कंसर्न बना दे स्टेट का, सही है। वो अब ज़्यादा प्राइमरी गोल बन रहा है। बाकी सारे क्या कहते हैं, अगर आप देखें आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यूएन बना और कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था, उस दरमियान जब मैंने आपको बताया कि बहुत से न्यू फिनोमेनाज इंट्रोड्यूस हुए, जो क्या ग्लोबलाइजेशन हुई, बहुत से न्यू फिनोमेनाज आए, बहुत डाइवर्जन हुई, ट्रांसनेशनल ट्रांसनेशनलिज्म का वर्ड आया वहाँ से, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे कंसर्न और ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनने लगे, ठीक है। सिक्योरिटी डायलेमा से हट के सिक्योरिटी के सबसे पहले रियासत का सिर्फ एक ही इशू होता था कि रियासत की, स्टेट की सिक्योरिटी, ठीक है। अब उनका फोकस वहाँ से शिफ्ट होने लगा। जब मैंने आपको नेचर पढ़ाया था आईआर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाद में जब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अब ये फोकस सिक्योरिटी से हटके इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन और दूसरे ग्लोबल इश्यूज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, रिपब्लिकन लिबरलिज्म। रिपब्लिकन लिबरलिज्म बिलीव्स दैट डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर मोर इंक्लाइंड टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ देयर सिटीजन एंड आर लेस लाइकली टू गो वॉर विद डेमोक्रेटिक नेबर्स। यहाँ पे रिपब्लिकन लिबरलिज्म इस बात पे यकीन रखता है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं वो अपने सिटीजन्स के राइट्स को एक तो रिस्पेक्ट करते हैं, और वो अपने दूसरे डेमोक्रेटिक नेबर्स के साथ भी बहुत कोऑपरेशन से चलते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे वॉर का चांस जो है वो वैसे ही रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंट्स ये हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स डू नॉट गो वॉर अगेंस्ट ईच अदर ओविंग टू इन वजूहात से, और वो वजूहात क्या हैं? पहली, देयर डोमेस्टिक कल्चर ऑफ पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो डेमोक्रेसी का रूल है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो पीसफुल कोऑपरेटिव डायलॉग के थ्रू होगा, डिप्लोमेसी के थ्रू होगा, या किसी और पीसफुल मीन के थ्रू रिजॉल्व होगा। वो जंग की सूरत या वॉयलेंट चीज़, वॉयलेंट कोई भी मीन इख्तियार नहीं करेंगे। देयर कॉमन मॉरल वैल्यूज, क्योंकि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो एक ही जैसी कॉमन मॉरल वैल्यूज शेयर करते हैं, और लिबरलिज्म तो कहता है कि कोई यूनिवर्सल एथिकल मॉरल्स नहीं है, मॉरलिटी सिर्फ एक है कि आपको अपने स्टेट के सर्वाइवल के लिए कुछ भी करना है। यही एक स्टेट लीडर की और एक स्टेट की मॉरलिटी है, जो कि इंडिविजुअली और क्या कहते हैं, इसके अलावा और कोई मॉरलिटी को वो मानते नहीं हैं, और यहाँ पे मॉरल कॉमन वैल्यूज है, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है हमारा, दे आर म्यूचुअली बेनिफिशियल टाइज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। वही जो बात इतनी देर से हम कर रहे हैं कि वो इकोनॉमिकल क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली इतने इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, क्योंकि उनके बेनिफिट्स एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए वो वॉर को कभी नहीं कभी भी वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। अगर वो वॉर करते हैं तो उनके अपने लिए नुकसान है। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म भी इसी से ही मिलता जुलता है, जैसे हमने ट्रांसनेशनल रिलेशंस की बात की थी, वो भी यही कहते हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। द नोशन ऑफ कम्युनिटी एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरडिपेंडेंस आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एज ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज इंक्रीज, पीपल इन डिस्टिंक्ट लैंड्स आर लिंक्ड एंड देयर गवर्नमेंट्स बिकम मोर इंडिपेंडेंट। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड मोर कॉस्टली फॉर स्टेट्स टू एक्ट यूनिलैटरली एंड टू अवॉइड कोऑपरेशन विद neighbors. The cost
of war or others' deviant behavior increase for all states, and eventually a peaceful international community is built. Many of the assumptions of sociological liberalism are represented in the current globalization literature dealing with popular culture and civil society. अभी जो हमने बात की कि ड्यू टू ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से गवर्नमेंट्स एक दूसरे पे इतना इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं, कम्युनिटीज कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी आ जाता है कि भाई ये मेरी कम्युनिटी के हैं, ये हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो भी कम्युनिटी वाइज एक जैसे हैं, ब्रादरी वाइज एक जैसे हैं, एथनोसिटी का मैंने आपको नेचर ऑफ आईआर में पढ़ाया था, एथनोसिटी जो कौमियत रखते हैं, एक कौमियत रखते हैं, वो यूनाइट हो जाते हैं और उनके दरमियान जो ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ होती है वो उसको और ज़्यादा गवर्नमेंट्स को और क्या कहते हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट कर देती हैं, जिसकी वजह से स्टेट कभी भी वॉर के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो हमेशा पीसफुली कोई भी अगर मामला है उसको सुलझाने के बारे में सोचता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो लोग कभी भी क्या कहते हैं कोई भी रियासत इस दौर में ये अज्यूम नहीं करेगी कि वो वॉर की तरफ जाए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो और अदर एक्सपेक्ट से एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। अगर एक एग्रीकल्चर स्टेट है और एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस स्टेट है तो वो दोनों भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं और वो वहाँ से अपना फूड क्या कहते हैं फूड नेसेसिटी की जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के तहत एक दूसरे को एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो गए। वो अपनी जो भी ज़रूरियात की जो भी उनकी रियासत को एक टेक्नोलॉजी वाइज जितनी भी ज़रूरियात होंगी या उनके ज़रूरियात की जो चीज़ें होंगी वो वहाँ से उनको हेल्प करेंगे, वो यहाँ से उनको एक्सपोर्ट करेंगे। जब उनका रिलेशन इतना इंटरडिपेंडेंट हो जाएगा एक दूसरे पे तो वो ऑब्वियसली जंग की तरफ नहीं जाएंगे। Institutional liberalism, according to the international liberals, international institutions is an international organization such as NATO and the European Union. It is a set of rules which govern state action, in particular such as aviation and shipping. ठीक है, वही बात के international institutional realism ने liberalism ने sorry यही बोला कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और उनके अलाय बनो। आज यूनाइटेड नेशन के हम लोग सब पार्ट 195 और 193 कंट्रीज शायद उसका पार्ट है और वो सब उसकी जो भी लॉ है उससे बाइंड है, उससे बाउंड हो जाते हैं। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे होते हैं तो आप उनके लॉ एंड ऑर्डर से बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, आप अपनी सॉवरेनिटी का कुछ हिस्सा उनको सरेंडर कर रहे होते हैं उस वक्त। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी, नेटो बनाया गया था कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को देखते हुए, यूरोपियन यूनियन बनाया गया, उन्होंने बॉर्डर फ्री कर दिया और बहुत सारी चीज़ें के कहते हैं उन्होंने अपनी चेंज की। ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन के तहत भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आप जब इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, एक इंटरनेशनल लॉ, वो कहते हैं एक इंटरनेशनल लॉ बनेगा, इंटरनेशनल लॉ के तहत सारी चीज़ें चलेंगी। लिबरलिज्म है क्योंकि वो फ्रीडम की बात कर रहा है, क्योंकि वो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा, तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो कि पीस और जहाँ पर जाके आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें। जैसे लीग ऑफ नेशन बना था लेकिन वो टूट गया था क्योंकि उसमें अपनी बहुत मैनिपुलेशन थी, उसमें बहुत सारी वजूहत थी जो मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ कि ग्रेट पावर ने ही उसमें साथ नहीं दिया, इस वजह से टूट गया। लेकिन यूनाइटेड नेशन कामयाब है और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सक्सेसफुली फंक्शनल अभी जो काम कर रही हैं रियासतों के साथ मिलके। इंटरनेशनल लिबरल्स अडॉप्ट अ बिहेवियरलिस्टिक साइंटिफिक अप्रोच टू क्लेम दैट इंटरनेशनल institution help promote cooperations between state, institution alleviate issue concerning lack of trust between state and reduce state fear of each other. अच्छा जी, liberals जो international liberal हैं उन्होंने जो approach क्या कहते हैं उनके approach है वो behavioralistic और scientific है, और जबकि realistic approach practical है। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरनेशनल
इंस्टीट्यूशन बनाओ, क्योंकि वो कोऑपरेशन स्टेट्स के दरमियान डेवलप करती है, और जो लैक ऑफ ट्रस्ट है या जो फियर है एक दूसरे से पावर के चलते, वो ख़त्म कर देती है, वहाँ पे आइस ब्रेकिंग हो जाती है, वो कोऑपरेशन में या कोऑपरेशन की पॉलिसी से अपने इश्यूज को सॉल्व करती है, और जो दूसरे इश्यूज हैं उनका काम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम यही होता है कि उनके दरमियान कोऑपरेशन पैदा करे, और जो उनका लैक ऑफ ट्रस्ट है और जो फियर ऑफ ईच अदर है वो कम कर दे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए दिया है, कंपैरिजन बिटवीन रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। मैं इसको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगी, क्योंकि सारी वो बातें जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोगों को याद रहे कि इनमें बुनियादी फ़र्क रियलिज्म की और लिबरलिज्म की थ्योरी में क्या बुनियादी फ़र्क है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, लिस्ट है, आप इसको देख लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपनी तीसरी थ्योरी स्टार्ट करने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट अहम है, मार्क्सिज्म। अच्छा जी, मार्क्सिज्म क्या होता है इसको देखते हैं कि मार्क्सिज्म की थ्योरी हमें क्या बताती है और वो क्या कहती है। ठीक है, व्हाट वर सम ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल रिलेशन कैपिटलिज्म। लिबरलिज्म ने हमें कैपिटलिज्म का निज़ाम दिया कि फ्री मार्केट रखो, फ्री ट्रेड करो, अच्छे इकोनॉमिकल रिलेशंस बनाओ, बिजनेस करो, और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करो दूसरे मीन से, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करो इकोनॉमिक के जरिए। सही है, मार्क्स एंड एंजल्स आर पर्टिकुलरली अपेयर्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म एंड द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस इट प्रोड्यूस्ड। अच्छा, मार्क्स और एंजल्स दो मेन इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं थ्योरिस्ट हैं मार्क्सिज्म के, जो कि हैरान रह गए थे कैपिटलिज्म को बढ़ते हुए देख के। हैरान कुन उनके लिए ये बात थी कि किस तरीके से कैपिटलिज्म हैरान ज़्यादा थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म किस तरह सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सतह पे को चेंज कर रहा है, पर्सपेक्टिव्स को चेंज कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म। सही है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इन देयर एंगेजमेंट विद एंड थिंकिंग अबाउट द न्यू कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड दैट ड्राइव्स द डेवलपमेंट ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। क्योंकि कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियल का फिनोमेना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इंगेजिंग देख के मार्क्सिस्ट ने अपनी आइडियोलॉजी बताई और अपनी आइडियोलॉजी पेश की कि ये अभी तो ऐसे है लेकिन इसमें क्या फ्लॉज हैं और बाद में आगे क्या होगा, ये जब हम आगे अपना सेशन बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बेसिकली मार्क्सिज्म ने कैपिटलिज्म पे ऑब्जेक्शन उठाया कि कैपिटलिज्म और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये किस तरीके से मैन्यूपुलेट कर रही है इंटरनेशनल सिस्टम को और स्टेट्स को। ठीक है, इंडिविजुअल और स्टेट्स को। अच्छा जी, कोर आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म वी मस्ट कंसिडर। कोर आइडियाज जो हैं वो मार्क्सिज्म के वो हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट, बोर्जुआजीज एंड प्रोलेटेरिएट, एलिएशन और क्लास कॉन्शियसनेस, फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि ये क्या है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर क्लासेस। सबसे पहले क्लास कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लास की यहाँ पे क्या मीनिंग है। What are classes? Economic groups defined in terms of their relationship to the means of production. अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, मार्क्स ने कहा कि इंसान के बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं। कार्ल मार्क्स जिन्होंने मार्क्सिज्म की थ्योरी पेश की, उन्होंने ये बताया कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथ। इससे हमें पता चला कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो मटेरियलिस्टिक है, तो मटेरियलिस्टिक बुनियादें
किसी चीज से बनी होंगी, जाहिर सी बात है वो कहीं से प्रोड्यूस हुई होंगी, तो उस चीज को उन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे दिया। जैसे एक जमीन है, जमीन में आपने सीड लगाया, सीड लगाने के बाद आपको उसकी क्या कहते हैं प्रोडक्शन मिली, जो भी आपको फूड की नेसेसिटी है वो आपकी पूरी हुई, तो जमीन क्या बन गया, हमारा मीन ऑफ प्रोडक्शन बन गया। यहाँ पे लैंड जो है वो हमारा मीन ऑफ प्रोडक्शन बन गया। ओके अच्छा जी, तो जो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनको डिफाइन किया गया कि उनके उनके और मीन ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान जो रिलेशन है, जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, उसको क्लासेस, वो क्लासेस में डिफाइन होती है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। इन एनी गिवन सोसाइटी देयर हैव ऑलवेज बीन टू ग्रुप्स। हर सोसाइटी, चाहे आज, चाहे इससे पहले, चाहे कभी भी ट्रेडिशनल वर्ल्ड में देखें या कंटेम्प्रेरी में देखें, आपने हमेशा टू ग्रुप्स, दो तरह के क्लासेस देखी होंगी। पहली डोमिनेटिंग क्लास। डोमिनेटिंग क्लास कौन होती है? दोज ग्रुप्स और पीपल दैट ओन द मीन ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो लोग जो के उस मीन ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, जो कि उनके मालिक हैं। ठीक है, डोमिनेटेड क्लास, दोज ग्रुप्स एंड पीपल्स और पीपल्स दैट डू नॉट ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बट यूज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द डोमिनेटिंग क्लास। जो डोमिनेटेड क्लास है वो वर्कर्स है बेसिकली, जो कि उन मीन ऑफ जो कि उस मीन ऑफ प्रोडक्शन पे काम करते हैं, और किसके लिए काम करते हैं, जिससे फायदा किसको होता है, डोमिनेटिंग क्लास को फायदा होता है। सही है, एक अपर क्लास है जो कि एक चीज को होल्ड करती है, जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, इसको सिंपल करके समझते हैं, एक क्लास जो कि मीन ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है, जो कि उसकी अथॉरिटी रखती है उस पर, और एक क्लास जो उस जो उसको उस पर काम करते हैं, वर्कर क्लास होती है, जिससे डोमिनेटिंग क्लास को ही बेनिफिट होता है। जब जमीन, हमारे पास लैंड है, हमने उसमें सीड उगाया, हमारी फसल, सीड बोया, फसल उग गई, अब जब फसल हमारी क्या कहते हैं बन गई है, तो उसके लिए हमें लेबर क्लास चाहिए होगी जो उस फसल को काटे। अब वो उस फसल को काटता है, उसको पूरा जो भी उसकी मेथोडोलॉजी है, जो उसको प्रोसेस से गुजारता है, इससे फायदा किसको होता है अल्टीमेटली, जिस जो उस मीन ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है उसको, बाकी तो सिर्फ लेबर है जो कि उस पे काम करते हैं। अच्छा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट डिवाइड ड्राइव्स हिस्ट्री। ओके, अब देखते हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट ने इस कॉन्फ्लिक्ट, अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना कि एक लेबर क्लास है, एक अपर तबका है, सही है, एक बड़ा तबका है और एक छोटा तबका है। जो बड़ा तबका है वो कंटिन्यूसली छोटे तबके को कॉन्स्टेंटली दबा रहा है कि नहीं तुम काम करो और वो कोई काम नहीं कर रहा। ये एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इनके दरमियान एक तनाजिया हो गया। अब हम इनकी हिस्ट्री को देखना है कि कब से हो रहा है। ठीक है, इन एनी गिवन सोसाइटी व्हेन दोज अपोजिंग क्लासेस कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोपेल्स हिस्ट्री फॉरवर्ड इनटू अ न्यू स्टेज ऑफ हिस्ट्री एंड न्यू क्लासेस इमर्ज। सही है, जितनी भी अपोजिंग क्लास है हमेशा इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और जब जब कोई भी नया स्टेज, कोई भी नई क्लास आई है, तो कोई भी नया फिनोमेना आया है, कोई भी नया थ्योरी आई है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आया है, तो इन्हीं न्यू क्लासेस ने दोबारा दोबारा क्या कहते हैं इमर्ज हुए हैं, या दोबारा दोबारा वही कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। ठीक है, अल्टीमेटली दीज न्यू क्लासेस विल ऑल्सो कम इन टू कॉन्फ्लिक्ट अंटिल हिस्ट्री रीचेज इट्स एंड पॉइंट। द क्लासेस सोसाइटी मार्क्स एंड एंजल्स आर कॉल्ड कम्युनिज्म। ठीक है, जो क्लासलेस सोसाइटी, सॉरी द क्लासेस सोसाइटी, जिसको क्लासेस सोसाइटी बताते हैं, मार्क्स और एंजल्स, उसको कम्युनिज्म बोलते हैं। कैपिटलिज्म किसका नाम था, किसने इंट्रोड्यूस किया? लिबरलिज्म ने हमें बताया कि फ्री ट्रेड करो, मार्केट करो, इकोनॉमी, हमने कैपिटलिज्म अपनाया। सही है, हमें रियलिज्म ने बताया कि पावर हर चीज़ है, तो हम इकोनॉमिकली पावरफुल होना स्टार्ट हो गए, हमने वो करना स्टार्ट कर दिया कि रियासतें फिर भी पावर की स्ट्रगल कर रही हैं। मार्क्स कहता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है क्लासेस के दरमियान, ये हिस्ट्री में रहा है, और अब जब ये क्लासेस, जब ये सोसाइटी क्लास लेस बन जाएगी, सब एक बराबर हो जाएंगे, उसको हम कम्युनिज्म कहेंगे, वो कम्युनिज्म का दौर होगा। ठीक है,
जिसमें आपने देखा होगा दो बुलेट्स बनी हुई हैं, ये सारे दौर आए हैं, अर्ली कम्युनिज्म, पहले भी कम्युनिज्म आ चुका है जिसमें इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है सब लोग एक बराबर हैं, सब लोगों को एक बराबर माना जाता था, कोई भी डोमिनेटिंग और डोमिनेटेड नहीं था, ठीक है। उसके बाद फ्यूडलिज्म की क्लास आई, फ्यूडलिज्म जब दौर आया, जब जमींदाराना दौर आया, उसके बाद दो क्लासेस में फिर से हम डिवाइड हो गए। किस तरीके से, एक क्लास होती थी जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, लैंडलॉर्ड होते थे, और दूसरी क्लास होती थी जो कि सर्व्स होते थे, जो उन पे काम करते थे, या वर्कर्स क्लास कह लें। एक लीड क्लास हो गई तो एक लोअर क्लास हो गई, सही है। एक जो ओन करते थे और दूसरे जो उसी पे काम करके उनको ही बेनिफिट पहुंचाते थे जो उसको ओन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटलिज्म का दौर आया। कैपिटलिज्म जब कैपिटलिज्म का दौर है तो उसके बाद दी मोनाइट्स, मोनाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसे वाले, बहुत ज़्यादा इलीट क्लास, अपर क्लास या नोबल क्लास जिसको हम बोलते थे, सही है, बुर्जुआजीज बोलते थे जिनको, और अदर, बाकी दूसरे, ठीक है। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगी। अब ये फ्यूचर क्लासेस हैं कि कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्योंकि वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म अपनी मौत खुद मरेगा और दोबारा कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगी, उसके बाद जो फाइनल दौर आएगा वो कम्युनिज्म का होगा, जिसमें फिर से क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। अब ये कैसे होगा ये हम आगे देखते हैं। स्टेजेस, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट एट ईच स्टेज, मैंने इसमें क्या कहते हैं चार्ट बना दिया, जिसमें आपने देखें डोमिनेटिंग क्लास का अलग है, डोमिनेटेड अलग है, प्रीएम्प्टिव मतलब अर्ली जो कम्युनिज्म था उसमें कोई क्लास नहीं थी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जब कोई क्लास ही नहीं होगी तो कोई मसला भी नहीं रहेगा, ऑब्वियसली। फिर स्लेवरी निज़ाम आया, स्लेव्स ओनर होते थे और फिर गुलाम होते थे, एक गुलाम होते थे और एक गुलाम के मालिक होते थे, ठीक है। फ्यूडलिज्म आया, लैंड ओनर्स और सर्व्स होते थे। कैपिटलिज्म आया, बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट है, सही है। सोशलिज्म आया, स्टेट मैनेजर्स हैं और वर्कर्स हैं उनके, ये हमेशा डोमिनेटेड क्लास रही है, अपर क्लास रही है, और ये डोमिनेटेड डोमिनेटिंग क्लास रही है, और ये डोमिनेटेड क्लास रही है जो कि वर्कर्स हैं, प्रोलेटेरियन और सर्व्स और स्लेव्स हैं। अब उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर से कम्युनिज्म आएगा और फिर से कोई क्लास नहीं होगी, क्लास लेस सोसाइटी हो जाएगी और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। मार्क्स बिलीव करते हैं इस बात पे कि ये जो एवोल्यूशन है, ये जो एवोल्यूशन हिस्ट्री की होती आ रही है, ये अपने आप एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हमेशा होता आया है और ये आगे होता रहेगा, ये इनइक्विटेबल नहीं है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल नहीं है, ये रेवोल्यूशन आगे भी रिवॉल्व होती चली जाएगी और आखिरकार कम्युनिज्म भी अनअवॉइडेबल है। कम्युनिज्म फिर से कम्युनिज्म रेवोल्यूशन आएगी और कैपिटलिज्म ख़त्म होगा, और वो इस तरीके से ख़त्म होगा कि कैपिटलिज्म को इस तरीके से डिस्ट्रक्ट करेगा कि दोबारा ऐसी कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की क्लास कॉन्फ्लिक्ट का दौर ना आ पाए। अच्छा ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा शॉप टेक आर पर्ल्स। इसमें हम देखते हैं कि क्या है, हाउ डज मार्क्स डिफाइन क्लास, मार्क्स कैसे करता है क्लासेस को डिफाइन, ठीक है। व्हाट आर द टू मेजर इकोनॉमिक क्लासेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एरा, आज के कैपिटलिस्ट वर्ल्ड या इंडस्ट्रियल एरा की कौन सी वो दो अहम क्लासेस हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, हम ये सारी चीजें अब देखेंगे। क्लास कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से डिफाइन किया मार्क्स ने, हमने पहले बता दिया। अब इसके बाद है टू सोशल क्लासेस इन द इंडस्ट्रियल एज, जिसमें एक है बुर्जुआजीज, दूसरे हैं प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआजीज कौन है, जो कि अपर क्लास है, जो कि डोमिनेटिंग क्लास है, और प्रोलेटेरिएट कौन है, जो कि डोमिनेटेड क्लास है, ठीक है। मार्क्स कहते हैं, मार्क्स आर्ग्यूड दैट द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म हैड शर्ड इन अ न्यू स्टेज ऑफ हिस्ट्री
in which there were two new opposing social classes. सही है, कैपिटलिज्म ऐसी इमर्जेंस है, इस चीज पे आर्ग्यूट करते हैं कि कैपिटलिज्म एक नया स्टेज है पूरी हिस्ट्री का, जिसने फिर से दो क्लासेस, सोशल क्लासेस बना दी, जो कौन है, एक ब्रोजवाजीज है, दूसरे प्रोलेक्टेरिएट है. ठीक है, ब्रोजवाजीज वो है, ब्रोजवाजीज के नीचे इन्होंने बताया, नीचे पॉइंट्स में बताया गया है कि ब्रोजवाजीज कौन है. ब्रोजवाजीज एक होते हैं ओन द मीन ऑफ प्रोडक्शन, जो ओन करते हैं, जैसे फैक्ट्री ओनर्स, बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के मालिकान, ये सारे ब्रोजवाजी की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, ये ओन करते हैं मीन ऑफ प्रोडक्शन को. और प्रोलेक्टेरिएट कौन होते हैं, जो के सेल देयर लेबर एंड डू नॉट ओन द मीन ऑफ प्रोडक्शन, जो के ओन नहीं करते मीन ऑफ प्रोडक्शन को, सिर्फ काम करते हैं, वर्कर क्लास होती है. जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर, वर्किंग क्लास, या उसको लेबर क्लास भी कह सकते हैं हम. एक्सप्लॉयटेशन, अब वो बता रहा है कि ये एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे क्या हो रही है. इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रॉब्लम बता रहा है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए कि प्रॉब्लम क्या है. इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम ब्रोजवाजी एक्सप्लॉयट द प्रोलेक्टेरिएट बाय यूजिंग देयर लेबर टू मेक गुड्स दैट आर सोल्ड फॉर मोर देन द प्रोलेक्टेरिएट इज पेड. ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में ब्रोजवाजीज जो डोमिनेटिंग क्लास है, वो किस तरीके से प्रोलेक्टेरिएट को एक्सप्लॉयट कर रहा है, वो जो लेबर वहाँ पे काम कर रहा है, जो मींस ऑफ प्रोडक्शन से वो प्रोडक्ट जो उनको ला के दे रहा है, वो प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा मुनाफे में सोल्ड करते हैं, और प्रोलेक्टेरिएट को उससे ज़्यादा पे नहीं किया जाता जितना वो महंगा बिकता है एक प्रोडक्ट. जैसे कि KFC फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, KFC जितना प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उतना ही वो पे कर रहा है अपने वर्कर्स को? नहीं, वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, पे कम कर रहा है. यहाँ पे बिल्कुल ये स्ट्रगल है प्रोलेक्टेरिएट की, कि वो डेली वेजेस के लिए, कि वो सैलरी के लिए, कि वो अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, एक्सप्लॉयट होते हैं कम पेमेंट में भी. ठीक है, this taking of surplus value of explanation in capitalist society. अच्छा जी, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है इंसाइडी. ये एक बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो मार्क्स का मेन पॉइंट है वो है ही ये कि कैपिटलिस्ट सिस्टम एक्सप्लॉयट करता है प्रोलेक्टेरिएट के राइट्स को, लेबर के राइट्स को, अपने प्रॉफिट के लिए. सिंपल, ठीक है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी की एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन है. अच्छा, एलियेशन क्या, एलियन मतलब यूनिक या बिल्कुल अकेला. ठीक है, प्रोलेक्टेरिएट not only suffer because of exploitation but also because the capitalist system causes them to experience three types of alienation. Proletarian is wajah se suffer kar rahe hain, sirf wo is exploitation se suffer nahi kar rahe, balki uski causes aur bhi hain, wo teen tarah ki hai, wo aur bhi dusri cheezon ka unko nuksan ho raha hai, sirf is cheez ka nahi ho raha, जिसमें पहली है एलियेशन फ्रॉम स्पीशीज बींग. ठीक है, वो अपने ही प्रोडक्ट्स, जो चीज़ वो बना रहे हैं, जो चीज़ वो पैदा कर, जो चीज़ प्रोडक्ट वो मेहनत करके पैदा करके दे रहे हैं, वो उसी से महरूम है. ठीक है, उन सारी नेसेसिटीज से, उन सारी चीज़ों से महरूम है वो. एलियेशन फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, एलियेशन फ्रॉम देयर फ्रॉम फेलो वर्कर्स, वो एक दूसरे को उस तरीके से हेल्प नहीं कर पाते, वो बहुत सारी चीज़ों में, वो बहुत सारी अपने ही एक्सपीरियंस में महरूम हो जाते हैं. ठीक है, ये सिंपल कॉजेज हैं कि एक तरफ वो एक्सप्लॉयट तो हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो
अकेले भी हो रहे हैं, उनको एलियनेशन का भी सामना करना पड़ रहा है बहुत सारी चीज़ों से, कि वो स्पीशीज बींग रह जाते हैं अपने प्रोडक्ट से, जो चीज़ पे मेहनत करके वही उस पे लेबर क्लास जो प्रोडक्ट आपको एक बना के दे रहा है, आप उसी से महरूम हो रहे हैं। अच्छा, अगला हमारा है क्लास कॉन्शियसनेस एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस। सही है, क्लास कॉन्शियसनेस और फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या होता है ये देखते हैं। हाउएवर द रेवोल्यूशन कैन आल्सो अकर वंस द प्रोलेटेरिएट डेवलप क्लास कॉन्शियसनेस। अच्छा, क्लास कॉन्शियसनेस, ये रेवोल्यूशन तब आएगी जब प्रोलेटेरिएट जो है, जो प्रोलेटेरिएट तबका है, इनके दरमियान ये क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होगी कि भाई वो लोग तुम्हें दिखा रहे हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कहती है कि तुम हमें क्या कहते हैं, तुम लोगों को पूरा राइट है, जो गवर्नमेंट आया है वो सबने सिलेक्ट करके आया है, सबने वोट दिए, सिलेक्ट हुआ, उसके बाद वोटिंग के अकॉर्डिंग वो जीता, उसके बाद वो गवर्नमेंट में आया, वो पावर में आया, वो रियासत में आया, ठीक है, वो अब स्टेट लीडर बना, आपने बनाया, ठीक है, लेकिन तो उससे क्या हुआ, मैन्युपुलेट हो गई जो आम आवाम है, कि ठीक है अच्छी बात है बहुत कि हमने चूज किया। वहां पे उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप लोगों को, आप जो कर सकते हैं, आप करना चाहें, आप एक गवर्नमेंट लाए यहाँ पे, अगर आप डेमोक्रेसी लाएंगे तो आपको आपको फ्रीडम मिल जाएगा। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब डेमोक्रेसी के जो रूल्स एंड लॉ है आपको उस पर चलना ही चलना है, आप उससे बाइंड हो। यहाँ पे उन्होंने फ्रीडम को खुद ही क्या कहते हैं, फिर से उनको गुलाम बना दिया, उनका रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रीडम। तो अगर कोई क्वेश्चन भी करता है कि यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो फिर कैसे हम फ्री हैं, हम किस तरीके से फ्री हैं, तो यहाँ पे वो आपको डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि वो फिर आपको बोलेंगे कि जो रूल्स एंड लॉ भी बनाए गए हैं वो जिस तरीके से आप सोचते हैं, जो आपकी वैल्यूज है, जो आपका नजरिया, हमने बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है। यहाँ पे फिर से प्रोलेटेरियन जो भी क्लास है वो खुश हो जाती है, वो इस फॉल्स कॉन्शियसनेस, इस क्लास कॉन्शियसनेस से समझ ही नहीं पा रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। मार्क्स ने यही कहा, कार्ल मार्क्स यही बात करता है कि इस तरीके से जब रेवोल्यूशन तभी आएगी जब प्रोलेटेरिएट के दरमियान क्लास कॉन्शियसनेस होगी, जब उनको खुद से ये सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, जब उनमें ये कॉन्शियसनेस आ जाएगा तभी चीज़ें बेहतर होना और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आना स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद कलेक्टिव रियलाइजेशन दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड एंड दे दैट दिस मस्ट स्टॉप। ठीक है, जब क्या कहते हैं, कलेक्टिव रियलाइजेशन हो जाएगी, जब प्रोलेटेरियन तबका, जो निचला तबका है, उसको पता चल जाएगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, भाई ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये हमें मैन्युपुलेट कर रहे हैं, ये हमें दिखा तो एक चीज रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए हो नहीं रही, तब ये ही सारी चीजें स्टॉप होंगी और तभी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इमर्ज होना या आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस वर्कर सफर फ्रॉम फॉल्स कॉन्शियसनेस इन विच दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज देयर ओन ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या, जुल्म-ओ-सितम, जब उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, तो वो उस चीज का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उन पे कौन सा जुल्म हो रहा है, क्योंकि उनको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, रिलीजन एक्चुअली फैसिलिटेट्स फॉल्स कॉन्शियसनेस, रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ द पीपल। यहाँ पे मार्क्स ने भी वही बात की, हर थ्योरिस्ट ने यही बात की कि भाई रिलीजन को तो सबसे पहले हटा देते हैं, क्योंकि वो तुम्हें बाइंड कर रहा है, वो तुम्हें फ्री नहीं होने दे रहा, और तुम्हारा राइट है कि तुम फ्रीडम तुम्हारा राइट है, तो सबसे पहले तो सेक्युलर सोसाइटी बनाना स्टार्ट करें, सबका एक ही गोल है कि सेक्युलर सोसाइटी हो, उसमें आप सब एक बराबर हैं, उसके बाद आप मिलजुल के काम करें। तो रिलीजियस को तो पहले ही हटा रहे हैं, रिलीजन को पहले ही हटा रहे हैं, जब रिलीजन है ही नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी में रिलीजन नहीं है, यूरोपियन में बहुत लेट लेट आया, तभी आईआर का जो कॉन्सेप्ट है, जो नोशन है कंटेम्प्ररी, अब चूंकि वो एशिया में भी शिफ्ट हो गया है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी वो कॉन्सेप्ट वो एज अकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ाया जा रहा है, तो क्या कहते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन, एज एकेडमिक डिसिप्लिन अगर वो पढ़ाया जा रहा है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ रहे हैं और अपने ही पर्सपेक्टिव से उसको बता रहे हैं कि हमें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है और
हम किस तरीके से चीजें हैं और किस तरीके से बताई जा रही हैं। जो भी थ्योरीज आई हैं वो सारी अपने अपने पर्सपेक्टिव लेके आई हैं। अगर रियलिस्ट है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, अगर लिबरल है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, और अगर मार्क्सिज्म है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। लेकिन ये दोनों, ये तीनों ही एक दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं मान रहे और डिनाई कर रहे हैं उस चीज से। वो कहते हैं रियलिस्ट कहता है लिबरल गलत है, लिबरल कहता है रियलिस्ट गलत है, मार्क कहता है कि भाई तुम क्या कहते हैं लिबरलिज्म कैपिटलिज्म गलत है, ये इन्वायरमेंट ही गलत है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। अच्छा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द मॉडर्न एज और द टाइम ऑफ द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये किस तरीके से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगी और मॉडर्न एज में किस तरीके से वो इवॉल्व होगी, उसके पॉइंट्स हैं। पहला है, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ प्रोलेटेरियन बिकम एंग्री एंड मे क्लैश विद इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द बुर्जुआजी और मे डिस्ट्रॉय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक इंसान को क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, वो उसके खिलाफ रिटेलिएट करेगा, वो उसके खिलाफ बात करेगा और इस तरीके से वो बुर्जुआजी से लड़ेगा अपने हक के लिए। ठीक है, कि भाई तुम कौन होते हो, हमें डोमिनेट डोमिनेट करने वाले। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, प्रोलेक्टिन डेवलप क्लास कॉन्शियसनेस एंड कम टुगेदर एज अ क्लास टू रियलाइज देयर शेयर इंटरेस्ट आर ओवर थ्रोइंग कैपिटलिज्म। ठीक है, जब प्रोलेक्टेरिएट जो भी है वो सब में उनके दरमियान ये कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी कि भाई हम तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तब वो ये रियलाइज करेंगे जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा मफाद है, वो तो ये लोग हमें दे ही नहीं रहे, वो तो कैपिटलिज्म ने हमारा तो कहीं मफाद ही नहीं रखा है। जो भी मफाद है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो सिर्फ बुर्जुआजी के लिए है, प्रोलेक्टेरिएट के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रोलेक्टेरिएट ओवर थ्रू द बुर्जुआजी इन अ वॉयलेंट एंड इनविक्टेबल रेवोल्यूशन लीडिंग द क्रिएशन ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, प्रोलेक्टेरिएट जो है वो बुर्जुआजी के खिलाफ खड़े होंगे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इसी तरीके से नोबल क्लास थी और वर्कर क्लास थी, लेबर क्लास थी, वो उन्हीं पे टैक्स लगाए जा रहे थे, वो उन्हीं पे जुल्म सितम किए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशन लाए, उन्होंने बहुत ब्लडी रेवोल्यूशन लाए जिसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, हजारों करोड़ों लोग मरे, और कम्युनिज्म का भी यही कहना है कि ये एक बार फिर से होगा। ये वॉयलेंट और अनअवॉइडेबल रेवोल्यूशन ही क्या कहते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी का कम्युनिस्ट सोसाइटी के बनने की वजह बनेगी। अटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, बट बिफोर लॉन्ग द वर्कर वुड लर्न टू शेयर एवरीथिंग इक्वली फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड लिव इन गवर्नमेंटलेस सोसाइटी। कार्ल मार्क्स कॉल दिस कम्युनिज्म एज द अल्टीमेट क्लासलेस सोसाइटी। अच्छा, लेकिन इस रेवोल्यूशन के आने से या कम्युनिज्म के आने से पहले वर्कर्स को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो क्या है कि उनको हर चीज़ एक दूसरे के दरमियान बराबरी तकसीम करनी पड़ेगी। बराबरी कैसे, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। अगर आपके घर में चार लोग हैं और आपके घर में एक घर है, होम ए है जिसमें चार लोग रहते हैं, होम बी है जिसमें सात लोग रहते हैं, तो होम ए को भी होम ए को है वो चार लोगों के हिसाब का खाना दिया जाएगा, चार लोगों का खाना, और होम बी जो है उसको सात लोगों के हिसाब का खाना दिया जाएगा। इसको इक्वालिटी नहीं, इसको इक्विटी बोलते हैं कि जरूरत के हिसाब से जितना उनको चाहिए होगा उतना उनको मिलेगा। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब तो ये होता है कि ये चार लोग हैं, ये सात लोग हैं, लेकिन इनको भी सात लोगों का खाना मिल रहा है और इनको भी सात लोगों का खाना मिल रहा है। अब वो जो चार लोग हैं उसमें रिसोर्सेज हमारी जाया हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ठीक है, और इसी सारी गवर्नमेंट लेस, एक गवर्नमेंट होगी, कोई ज़रूरत नहीं है आवाम की खिदमत करनी है, एक पार्टी है, आप आओ लड़ो, आपको आवाम चूज़ करेगी, आप आवाम की खिदमत करो आके, लेकिन कोई ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं होगी जिस तरह डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी के तहत इस तरीके से गवर्नमेंट लेस सोसाइटी बना दी जाएगी, एक आदमी आएगा, खड़ा होगा, वो क्या कहते हैं वो आवाम के लिए काम करेगा, वो लीडर नहीं होगा,
उसका काम होगा, उसकी ड्यूटी होगी, वो उसके लिए काम करेगा, ठीक है, वो उसको उनको डोमिनेंट नहीं करेगा, सब एक बराबर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द वर्कर्स राइज अप एंड रिवोल्ट वायलेंटली ओवर थ्रो द कैपिटलिस्ट, दे इस्टेब्लिश अ कंटेम्प्रेरी डिक्टेटरशिप टू द प्रोलेटेरिएट। ओके, जब वर्कर क्लास में ये कॉन्शियस पैदा हो जाएगा, जब वो कॉन्शियस हो जाएंगे क्लास कॉन्फ्लिक्ट से, उसके बाद वो कैपिटलिस्ट के निज़ाम को निकाल बाहर फेंकेंगे अपनी चीज़ों से, और वहाँ पे प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप स्टार्ट होगी कि उनका अपना जो वो चाहेंगे वहाँ पे वो होगा, ठीक है, कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, सब एक बराबर हैं और सबके चीज़ें मानी जाएगी। लेकिन वहाँ पे डिक्टेटरशिप रियासत आपको बताता है हर चीज़, वो भी यहाँ पे भी आपका फ्रीडम कंट्रोल है, रियासत आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। ये जैसे जैसे हम आगे अपने सेशंस करते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि थ्योरी किस तरीके से हर थ्योरी आपके फ्रीडम को मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट कैसे कर रही है, सही है। एट फर्स्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट वुड नीड एब्सोल्यूट पावर्स टू मेक श्योर रिएक्शनरीज डिड नॉट ब्रिंग द कैपिटलिस्ट बैक। जो डिक्टेटरशिप होगी प्रोलेटेरिएट की, वो ये हर सूरत इस चीज़ को मेक श्योर करेगी, इस चीज़ को कंफर्म करेगी कि कोई और ऐसा ब्रुजवाजी या कोई ऐसे ग्रुप ऑफ ब्रुजवाजी है तो नहीं जो कि वापस से इस निज़ाम को लाने की कोशिश करे। उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर ग्लोबल ब्लडी रेवोल्यूशन इज मस्ट। अगर ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लानी है और ये सब कुछ होना है तो इसके लिए ब्लडी रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, जो कि होगी तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे हमारा मार्क्सिज्म ख़त्म होता है, मार्क्सिस्ट की थ्योरी। अब जो हमारी कंटेम्प्ररी और हमारी आखिरी मेन थ्योरी जो है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, इसको कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हर थ्योरी का कोई थीम है। रियलिज्म ने बताया पावर, लिबरलिज्म ने बताया फ्रीडम, मार्क्सिज्म ने बताया कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई आपको डोमिनेट ना करे, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बात करता है ये हम देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस इज डिटरमाइंड बाय देयर आइडेंटिटी विच इटसेल्फ इज शेप्ड बाय सोसाइटीज वैल्यूज हिस्ट्री प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन। कंस्ट्रक्टिविज्म का जो थीम है वो है कि आइडेंटिटीज़ की बात करता है, वो स्टेट के आइडेंटिटीज़ की बात करता है, वो ह्यूमन के आइडेंटिटीज़ की बिहेवियर की बात करता है कि एक वो आइडेंटिटी को मेन फोकस देता है, सही है। इसको हम आगे देखते हैं किस तरीके से। कंस्ट्रक्टिव्स होल्ड दैट ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द स्टेट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड इन द सेंस दैट दे रिफ्लेक्ट। ये समझने का पॉइंट है, मेन पॉइंट है, इसको गौर से समझिए कि जो भी एक पर्सपेक्टिव है, जो भी एक थ्योरिस्ट है, लिबरल है चाहे लिबरलिज्म है, वो एक कॉन्सेप्ट है, और वो जो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, स्टेट हो, नॉन स्टेट एक्टर्स हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो किसने बनाया है, वो इंसान ने बनाया है, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब वो इंसान ने कंस्ट्रक्ट किया है। और वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, वो उसने जैसा उसने समझा, जैसा उसका पर्सपेक्टिव था, जो उसकी नॉलेज थी, वो उसने उस तरीके से बताया है। अब इसको मैं बताऊँ, अगर यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दूँ समझाने के लिए, वो इस तरीके से दूँ कि रियलिज्म ने जो थ्योरी बताई, रियलिस्ट ने जो थ्योरी हमें बताई, वो अपने पर्सपेक्टिव से बताई कि जैसा उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से
जिस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम को समझा उन्होंने, उस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट किया, उसको अपनी थ्योरी में समझाया। जिस तरीके से सेम यहीं पे बात आती है कि लिबरल ने जिस तरीके से अपने पर्सपेक्टिव से इन सारी चीज़ों को समझा, इंटरनेशनल सिस्टम को समझा, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को समझा, उस तरीके से ही उन्होंने अपने परसेप्शन को पोर्ट्रे किया, रिफ्लेक्ट किया अपनी थ्योरी में। ठीक है, इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है ये इंसान का परसेप्शन है, उसका दिमाग है, वो अपने सोचने और समझने की अपनी नॉलेज की सिलाहियत से ही उस चीज़ को समझता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है द एवोल्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट, कि कंस्ट्रक्टिविज्म एवोल्यूट कैसे हुआ, बना कैसे। निकोलस उनॉफ कॉइंड द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म। निकोलस ने कंस्ट्रक्टिविज्म की टर्म हमें दी। ठीक है, वहीं पे इनके दो मेन स्कॉलर्स हैं, एक निकोलस हैं, दूसरे अलेक्जेंडर हैं। जो अलेक्जेंडर हैं उन्होंने हमें क्या कहा, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। ये अलेक्जेंडर का एक आर्टिकल है इस आर्टिकल में उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कहा है, वो अपने आर्टिकल में वो ये कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, एनार्की जैसी कोई चीज नहीं है, अगर समझो तो है, अदरवाइज वो नहीं है। ये रियलिज्म का पर्सपेक्टिव है, ये रियलिस्ट अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी नॉलेज से एनार्की को देखते हैं कि एनार्किकल एनवायरनमेंट है, इसमें सर्वाइवल है। ये उनका अपना पर्सपेक्टिव है, सही है, ये उनका अपना परसेप्शन है। उस परसेप्शन के तहत वो एनार्की को एनार्किक ऑर्डर, वर्ल्ड एनार्किक ऑर्डर बोलते हैं। लिबरल का अपना पर्सपेक्टिव है, आप अपने पर्सपेक्टिव की तरह से समझो तो एनार्की है, अदरवाइज वो नहीं है। ह्यूमन आइडियाज, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव, उसकी नॉलेज पे डिपेंड है, जो उस वो जिस तरीके से सोचता है और समझता है वो उसी चीज से उसको बयां करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, अभी हमने बात की जैसे, और यही इसकी लाइफलाइन बन गया, कंस्ट्रक्टिविज्म की लाइफलाइन ये आर्टिकल बन गया। और ये चीज़ के ना कि इज वॉट स्टेट्स मेक ऑफ इट, जो हम समझते हैं, जो हम उसको बनाना चाहें अपनी सोच और समझ से, अपनी नॉलेज से, हम उसको डिफाइन उस तरीके से कर सकते हैं। द राइज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, दो बड़ी सुपर पावर में, दो बड़े आइडियोलॉजीज में, एक आइडियोलॉजीज प्रॉपरली खत्म हो गई कॉम्युनिज्म सोवियत यूनियन के टूटने पे, तब कंस्ट्रक्टिविज्म का फिनोमेना या कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस हुई। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड आईआर, द फोकस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज ऑन ह्यूमन अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस एंड इट्स प्लेस इन वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, many IR theories and especially new liberalism is materialistic. It focuses on how the distribution of material power defines balance of power between states and explain the behavior of states. acha jo main focus hai social constructivism ka wo ye hai ki human kis tarike se conscious hai, uske thought kis tarike se hai, wo kis tarike se world अफेयर्स को देखता है या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को किस तरीके से समझता है और किस तरीके से उसको पोर्ट्रे करता है। ठीक है, अब बहुत सारी थ्योरीज हैं आईआर की, जिसमें न्यू लिबरलिज्म का भी जिक्र हुआ कि वो मटेरियलिस्टिक है, वो मटेरियलिज्म पे बेस्ड है, मटेरियलिज्म मटेरियलिस्टिक पावर पे बेस्ड है, वो खामो क्या कहते हैं, वो फोकस करती है कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए और मटेरियल पावर बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, इकोनॉमिक के कहते हैं इकोनॉमिकली बैलेंस्ड होना चाहिए टेक्नोलॉजिकली, और उसी तरीके से वो स्टेट के बिहेवियर को भी डिफाइन करती है। ठीक है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि नहीं, उसका जो मेन फोकस है वो ह्यूमन अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट रिजेक्ट्स
सच अ वन साइडेड मटेरियल फोकस. जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो इस चीज़ को, इस बात को डिनाई करते हैं. वो नहीं मानते इस चीज़ को कि सिर्फ मटेरियल फोकस पे ही आपने सारी चीज़ों को बुनियाद कर दिया, कि स्टेट, अगर स्टेट है वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहा है, इकोनॉमिक का इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी मटेरियल चीज़ें होंगी. इसमें थॉट्स और आइडियाज़ और ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहाँ है? वो सिर्फ वन साइडेड बेस्ड नहीं है. They argue that the most important aspect of international relation is social, not material. और वो इस बात पे argument देते हैं कि जो important IR का सबसे important aspect वो social है, material नहीं है. The international system is not something out there like the solar system. It does not exist on its own. It exists only as an intersubjective awareness among people. In that sense, the system is constituted by ideas, not by material forces. अच्छा, यहाँ पे constructivist हमें समझाते हैं, वो ये बात करते हैं कि international system subjective है. वो materialism पे believe नहीं करते. वो कहते हैं कि ideas हैं, different humans हैं, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, उनके डिफरेंट नॉलेज है, उनके डिफरेंट नॉर्म्स है, बैकग्राउंड्स है, वो उसके तहत इंटरनेशनल सिस्टम को डिफाइन करते हैं. वही बात कि सेंस ऑफ आइडियाज़ है, भाई तुम नए आइडियाज़ लाओ, नए आइडियाज़ को बताओ, ये बात सब्जेक्टिव होता है. तुम्हारा आइडिया है रियलिज्म का आइडिया, वो भी सही हो सकता है, लिबरलिज्म का आइडिया, वो भी सही हो सकता है. पर्सन ए है, पर्सन बी है, एक आइडिया उसके पास है, एक आइडिया उसके पास है, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें एक सही एक गलत हो, दोनों भी सही हो सकते हैं. लेकिन मटेरियल फोर्सेस दोनों ही आइडियाज़ पे फोकस्ड है और दोनों ही आइडियाज़ सही हो सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि एक सही है तो दूसरा गलत ही होगा. ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, सही है. ये सब्जेक्टिव इंटर सब्जेक्टिव अवेयरनेस है कि वो सेंस किस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम को अपने आइडियाज़ के तहत, अपने पर्सपेक्टिव के तहत, अपने नॉलेज और अपने क्या कहते हैं, समझ बूझ के तहत उसको डिफाइन कर रहा है. और वो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगे. द इंटरनेशनल सिस्टम इज अ ह्यूमन इन्वेंशन और क्रिएशन, नॉट ऑफ अ फिजिकल और मटेरियल काइंड ऑफ काइंड, बट ऑफ अ प्योरली इंटेलेक्चुअल एंड आइडेशनल काइंड. It is a set of ideas, a body of thought, a system of norms which has been arranged by certain people at a particular time and place. International system bhi ek human invention hai, ek human creation hai. Usko physically kisi ne nahi banaya, usko material se koi building nahi hai ki international system hum baat kar rahe hain to koi building hai. Nahi, ye insaan ka perception hai, usne create kiya कि रियासत है, रियासत एक स्ट्रक्चर के तहत चल रहा है, वो स्ट्रक्चर एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत चीज़ें चल रही है, और इस सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं जो बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ को, सेट ऑफ आइडियाज़ के साथ, सेट ऑफ नॉर्म्स के साथ आते हैं और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं. अच्छा, कंस्ट्रक्टिविज्म एज सोशल थ्योरी. What does it mean to say that constructivism is a social theory? क्या मतलब है, ये एक थ्योरी दी गई है. आगे हम देखते हैं कि क्या मतलब है सोशल थ्योरी का, क्या कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहना चाहता है सोशल थ्योरी के मुताबिक. सोशल थ्योरी इज द मोर जनरल थ्योरी अबाउट द सोशल वर्ल्ड एट लार्ज, अबाउट सम एक्शन एंड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एक्टर्स. सोशल थ्योरी यही है कि इंसान ने अपने पर्सपेक्टिव के दरमियान, के हम पावर की बात क्यों कर रहे हैं, हम स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशन है, स्ट्रक्चर और स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशन है, उनको क्यों नहीं पढ़ रहे, उनको पढ़ें, उनके बिहेवियर को पढ़ें, उनके आइडियाज़ को देखें, उनके जो आपस के ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं, उसको समझा जाए, उसको पढ़ा जाए, उन पे उनके तहत उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझा जाए. ज़रूरी नहीं है कि अगर रियलिज्म जैसे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्टिव रहे. ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फ़र्क ही यही है कि सब्जेक्टिव कि तुम्हारा आइडिया है और मेरा आइडिया है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी सही है, मेरा पर्सपेक्टिव भी सही है, सही है.
और क्या कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, बिल्कुल ये कहना गलत है. ऑब्जेक्टिव होता है कि ये कह देते हैं, रियलिज्म जैसे कहता है कि लिबरलिज्म को तुम गलत हो, और लिबरलिज्म कहता है कि तुम बिल्कुल गलत हो, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है. ये बुनियादी तौर पे ये बुनियादी तौर पे गलत उसूल है, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए. डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट आइडियाज है, आपको उसको भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा. अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही दुनिया को देखते रहेंगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजें समझते रहेंगे, तो आपकी जो सोच है, आपकी जो जो थॉट्स हैं, वो कंस्ट्रक्टेड हो जाएंगे, वो लिमिटेड हो जाएंगे. आपको उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, तो उसमें जो सही बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो भी मिस कर जाएंगे अगर आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही उन सारी चीज़ों को समझेंगे. इसलिए सबका पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज़ जब आते हैं, तो वो डिफरेंट सेट ऑफ नॉर्म्स, सिस्टम ऑफ नॉर्म, उनका बैकग्राउंड, उनका वो अलग अलग खित्ते से आते हैं, और वो जब अलग अलग खित्ते से आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम वो नहीं समझेंगे तो हम चीज़ें मिस कर जाएंगे जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं. ठीक है, बुनियादी इसके बाद यही है सोशल थ्योरी की. कंस्ट्रक्टिव, ये मैंने आपको समझा दिया पूरा. कंस्ट्रक्टिविस्ट एज द नेम इम्प्लाइज, सी द वर्ल्ड अराउंड अस एज सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, वो बुनियादी तौर पे कंस्ट्रक्ट की गई है, इंसान ने कंस्ट्रक्ट की है. ठीक है, व्हाट डज दिस मीन, दिस कैन द वर्ल्ड बी सोशली कंस्ट्रक्टेड. टू बिगिन, लेट्स ब्रेक डाउन द टर्म सोशल कंस्ट्रक्शन इनटू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. अब सोशली मीन्स दैट कंस्ट्रक्टिव गिव्स सिग्निफिकेंट वेट टू सोशल और इंटर सब्जेक्टिव फोर्सेज, जो मैंने अभी बात की, नॉट जस्ट टू ऑब्जेक्टिव और मटेरियल फोर्सेज एज रियलिस्ट डू. जैसे रियलिस्ट और लिबरलिस्ट करते हैं कि नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि तुमने जो बोला उसके पॉइंट ऑफ व्यू, और जो तुमने बोला दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ना और वो देखना, उसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है. कंस्ट्रक्टिविस्ट रिकग्नाइज दैट मटेरियल फोर्सेज मैटर, बट दे ऑल्सो बिलीव that it is our subjective understanding to objective condition matter equally, not more. अगर क्या कहते हैं, material forces भी हमें क्या कहते हैं हमारे लिए अहम है, deny नहीं किया है उन्होंने, one side से सिर्फ reject किया है कि one sided सिर्फ material force की बात नहीं करो कि सिर्फ power है, power है, power है, power है, ऐसा नहीं है. सिर्फ power नहीं है, बल्कि subjective और ऑब्जेक्टिव दोनों अप्रोच इक्वल हैं एक दूसरे के. आपने सेट ऑफ आइडियाज हैं, आप उनको देखें, आप उनको समझें. परसेप्शन, डिफरेंट आइडियाज हैं, उनको समझना, डिफरेंट स्टेट्स, उनके बिहेवियर को, उनके रिलेशनशिप को समझते हुए, फिर जो भी क्या कहते हैं उनको ऑब्जेक्टिवली भी और सब्जेक्टिवली भी समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या कंडीशंस हैं, या वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या उनका जो रिलेशन है वो किस तरीके का है. पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना, हर पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, तभी हम हकीकत पर पहुंच सकेंगे. अगर सिर्फ हम एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बैठे रहेंगे कि नहीं रियलिज्म है, जैसे रियलिस्ट करते हैं कि पावर पावर है, तो हम कभी भी हकीकत तक नहीं पहुंच सकते. हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें दोनों पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है. Constructed means that constructivist understand the world as coming into being in a world constructed through an interactive process between the subjectivity of agents, individual, state, non-state actors and objective elements of our physical reality. यहाँ पे वही बात उन्होंने की कि हर पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ज़रूरी है. जैसे कि सब्जेक्टिव अगर स्टेट है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका क्या रोल है, इंटरनेशनल सिस्टम में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनकी क्या स्टडी, उनके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, वो किस खित्ते से आए हैं, उनकी सोच क्या है, और वो किस तरीके से आगे काम करेंगे और किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. अगर हम सिर्फ एक व्यू पे बात करेंगे तो वही बात कि हम बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, बहुत कंस्ट्रक्टेड हो जाएगी हमारी थॉट प्रोसेस. बेसिक पॉइंट, ये जो पीछे बातें हुई हैं ये सारी वही रिपीटेड बात है. बेसिक पॉइंट में इसको डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, इसको एक एक करके बस देख लेते हैं. सोशल थ्योरी टेल अस दैट द सोशल वर्ल्ड, दैट इज
the world defined by politics, economics, history, culture, institution, etc. are not defined by nature, but by human beings. जो सोशल थ्योरी हमें यही बताती है कि सारी चीज़ें जो भी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स, कल्चर, इंस्टीट्यूशन, आइडियाज़, फिनोमेना, जिसके बारे में भी हम बात करें, ये हमें कुदरती तौर पर नहीं बताया गया है, बल्कि ये इंसान है जिसने ये सारी चीज़ें डिफाइन की और बताई हैं. नेक्स्ट, इट टेल्स अस दैट एज अ वर्ल्ड डिफाइंड बाय ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स, इट इज इनहेरेंटली अ वर्ल्ड बेस्ड ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स ऑफ नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस एंड परसेप्शन एंड मिसपरसेप्शन. ये सारी चीज़ें डिफाइन किसके जरिए की हैं? इंसान ने डिफाइन की हैं अपने थाट से, अपने बिलीव से, जैसे उसने समझा है उस तरीके से उसने डिफाइन किया है. उसके जो आइडियाज़ हैं, उसके जो जैसा वो इंसान था, अगर रियलिज्म है, रियलिस्ट है, तो उसके ज़रूर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हुई होगी, कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा जिससे उसने पावर को तरजीह दी, जिससे उसने बोला कि पावर से ही सारी चीज़ें हो सकती है, अदरवाइज स्टेट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अदरवाइज आप अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे, या फिर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे. ये सारी चीज़ें उसने बोली, ठीक है. More formally, there is a process of mutual constitution between agents and objective forces. The result is the creation of an overarching structure or socially constructed realities which we lives our lives. किस तरीके से हम अपनी वही बात जो ऊपर कि किस तरीके से ये सारा कुछ हमें इंसान ने ही, अगर इंसानी दिमाग या इंसानी थॉट ही बता रहा है, हमें इंसान ही ये चीज़ बता रहा है कि कंस्ट्रक्ट वो कर रहा है, कि परसेप्शन बता रहा है कि भाई ये एजेंट्स हैं, डिफरेंट एजेंट है, उनके दरमियान ऑब्जेक्टिव फोर्सेस से जो रिलेशंस हैं उनको भी समझो, वही क्रिएशन है, तभी आप असल तक पहुंच सकते हैं. वही बात है, ये वही रिपीटेड पॉइंट है जो हमने पहले बात की है, कि आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू को देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप हकीकत से दूर रह जाएंगे, हकीकत से महरूम रह जाएंगे, अगर आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देखेंगे तो. ठीक है. Where does anarchy came from? How did it emerge? How it is reproduced? Constructives are extremely skeptical of realist assertion about anarchy. To realist, anarchy is an objective, inescapable reality of the international system. It is what makes the world an inherent dangerous dog-eat-dog environment on it, where there is no room for weakness and no room for ethics and morality. An anarchic world is necessarily a world where only the strong survive. Constructive कहते हैं, realism, realist के इस point of view को criticize कह रहे हैं. वो कह रहे हैं हम नहीं मानते आपकी ये बात कि anarchic order है तो भाई जो सबसे ज़्यादा powerful है, एक अब dog eat dog का मतलब क्या, एक बड़ा कुत्ता है वो छोटे कुत्ते को मार रहा है, जो छोटा कुत्ता है वो उससे छोटे कुत्ते को मार रहा है, dog eat dog वाला एनवायरनमेंट है, कि एक ताकतवर है जो छोटे पे, जो के कहते हैं उससे कम ताकतवर पे जुल्म कर रहा है, और जो दूसरा कम ताकतवर है वो अपने से कम ताकतवर पे जुल्म कर रहा है. इस तरीके से नहीं है कि कोई वीकनेस हम नहीं छोड़ सकते अपने लिए, या कोई भी मोरालिटी या इथिक्स पे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारे स्टेट की सर्वाइवल को अशोर मेक श्योर करना है, इंश्योर करना है, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करना है. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट बेसिकली इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि इस तरीके से नहीं है, क्योंकि रियलिस्ट एनार्की को एज एन ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेते हैं, ऑब्जेक्टिव समझते हैं, सॉरी, वो कहते हैं जो स्ट्रांग है वही स्टे करेगा, और वो इस चीज़ से डिनाई करते हैं. Constructivists do not argue that the realist version of an anarchy-based reality is a figment of our imagination. They agree that it exists and is central to the dynamics of the world politics. Constructivists कहते हैं कि जो ये तुम्हारा anarchic environment का जो वर्जन है, ये सिर्फ तुम्हारा एक सोच है, ये तुम्हारा perception है, ये तुम्हारी perspective है, तुम्हारा ये ख्याल है, ये तुम्हारी एक सोच का ख्याल है, ये तुमने सोचा हुआ है, इस तरीके से तुमने समझा हुआ है कि भाई सिस्टम एनार्किक है, इस वजह से अपने स्टेट को या अपने सर्वाइवल को मेक श्योर करने के लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. बट दे आर्ग्यू टू पुट इट सिंपल दैट एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, दैट इज़ स्टेट्स मेक द वर्ल्ड डेंजरस और सेफ
थ्रू देयर परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन. एनार्की क्या है? जो एक जो लोग अपने पर्सपेक्टिव से बनाए. रियलिस्ट एनार्की को स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, लिबरलिस्ट अलग तरीके से बोल रहे हैं. ये आपकी सोच है, ये आपकी समझ है कि आपके लिए एनार्की डेंजरस है या सेफ प्लेस है. ये आपके परसेप्शन पे, आपकी नॉलेज पे और आपके एक्शन और थिंकिंग पे डिपेंड है कि आप उस चीज को किस तरीके से समझ रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. इसकी एक सिंपल मिसाल एग्जाम्पल है. वी ऑल नो दैट दिस इज अ गन, बट आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, उसमें गन है. बट वॉट डज द फिजिकल एंटिटी रिप्रेजेंट और मीन? डज इट रिप्रेजेंट? अब यहाँ पे बात यहाँ पे कि आपको एक गन नजर आ रही है, ये एक फिजिकल एंटिटी है, एक फिजिकल फिनोमेना है, ठीक है. अब ये जो फिजिकल फिनोमेना है, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? डेंजर और सेफ्टी, रिप्रेशन और फ्रीडम, फन और डिस्ट्रक्शन, पावर और इम्पोर्टेंसी, ऑर्डर एंड क्योस. आपको क्या समझ आ रहा है? ये सिर्फ एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है और इसको आपका जो पर्सपेक्टिव होगा ना, वो आपको समझ आएगा. अगर आपका पर्सपेक्टिव है गन सिर्फ डिस्ट्रक्शन और डेंजर के लिए यूज होती है, तो आप वही सोचेंगे कि गन सिर्फ पावर और वायलेंस के लिए यूज होती है. लेकिन अगर किसी का पर्सपेक्टिव है नहीं कि अपने आप को महफूज रखने के लिए ये एक हथियार मेरे पास है, तो ये उसका पर्सपेक्टिव है. दोनों का पर्सपेक्टिव सही है, गलत नहीं है. तो ये ऑब्जेक्टिव एंटिटी है, ये नहीं बताता, ये फिजिकल एंटिटी हमें नहीं बताएगा कि एनार्किक ऑर्डर क्या है या एनार्किक ऑर्डर किस तरीके का या इंटरनेशनल सिस्टम क्या है. ये हमारी पर्सपेक्टिव है, ये हमारे इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड है कि हम उसको किस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं और फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं. बेसिक पॉइंट्स हैं इसके फोर टाइप की, वही सारी चीज़ें रिपीटेटिव है. हमने जो पीछे बात की, आइडियोलॉजीज, अ सेट ऑफ डॉक्ट्राइन और बिलीव्स. आइडियोलॉजी होता है जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज को मानता है. कंस्ट्रक्टिविज्म एक ही बुनियादी बात कहता है कि भाई डिफरेंट आइडिया लाओ, जो अच्छा आइडिया लाएगा वो ऊपर है. अब अगर वो आइडिया रियलिज्म का क्या कहते हैं, वो आइडिया कोई स्टेट ए ले आता है या स्टेट बी, जो अच्छी बात, जो अच्छी थॉट, जो अच्छे आइडियाज लाएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा. कंस्ट्रक्टिविज्म का सिंपल मतलब एक्सप्लेनेशन यही है. अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ डॉक्ट्राइन एंड बिलीव्स. डॉक्ट्राइन बिलीव्स थ्योरीज को कहते हैं डॉक्ट्राइन्स. और ये वही बात के रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, जो अच्छा आइडिया आप ले आएँ, जो अच्छा पर्सपेक्टिव आप लेके आए, सही है. बिलीव्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर और कंडक्ट. वही बात आ गई कि राइट और रॉन्ग क्या है, ये गलत है या सही है, ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए. ये सारा हमारे बिहेवियर पे डिपेंड है कि हम उसको किस तरीके से सोच और समझ रहे हैं. कैजुअल बिलीव्स आर अबाउट कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप, ऑफन एक्सप्रेस्ड इन थ्योरीज. कॉज अफेक्ट की रिलेशनशिप हर थ्योरी में तकरीबन बताए ही गए हैं कि चूंकि एक स्टेट है जो कि अपनी पावर बढ़ा रहा है, तो जो उसका जो दूसरा स्टेट है वो भी उसको कम्पीट करने के लिए अपनी पावर बढ़ा रहा है. बैलेंस ऑफ पावर, ये कॉज एंड अफेक्ट हो गया कि इसने ये किया तो मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करता तो मेरी स्टेट सिक्योरिटी या मेरी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा था. पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक प्रोग्रामेटिक ideas that facilitate policy making by specifying how to solve a particular problem. Different ideas के तहत policy making होती है और बताया जाता है. बहुत सारे means हैं कि आप इसको, इस problem को आप किस तरीके से solve करेंगे, conflict के तहत solve करेंगे या उसको peacefully solve करेंगे या किसी और mean of solution के तहत उसको solve किया जाएगा. अच्छा, एनार्की सेल्फ हेल्प का जो बात आती है अब यहाँ पे भी. एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्टिविस्ट टेल अस वी ऑलरेडी लिव इन इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ वेरी डिफरेंट रियलिटीज, इंक्लूडिंग एन इंटरनेशनल सिस्टम गवर्न्ड बाय ट्रस्ट, कोऑपरेशन, रेसिप्रोसिटी एंड एनार्की ऑफ फ्रेंड्स. सिस्टम गवर्न्ड बाय डिस्ट्रस्ट, बिलिजेंस, थ्रेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट आर एन एनार्की ऑफ एनिमीज. A system based on partial trust, cooperation and negotiation and many more. Constructivism ये कहता है कि आज का जो international दौर या आज का जो दुनिया, आज का जो
इंटरनेशनल वर्ल्ड है, इसमें हम डिफरेंट तरीके की रियलिटी देख रहे हैं. एक एक जिसमें हम कह रहे हैं, जिसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं. एक जो हमें बताता है कि भाई सेल्फ हेल्प रखो, कि सेल्फ हेल्प तो तुम्हें फ्रेंड्स होने के बावजूद भी होगी, ट्रस्ट और कॉरपोरेशन, ट्रस्ट और कोऑपरेशन के मामलात होंगे तब भी अनार्की है, और जब डिस्ट्रस्ट और बिलीजेंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तब भी अनार्की है. तो अनार्की तो वही सेफ सेम है. यहाँ पे बात वही आ गई कि पर्सपेक्टिव अपने अपने हैं, और उन पर्सपेक्टिव और आइडियाज के थ्रू ही ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी. जिसमें नीचे बेसिकली नीचे आप एक पॉइंट देखेंगे, लास्ट पॉइंट, बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलीव्स दैट सेट ऑफ आइडियाज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इंस्टीड ऑफ मटीरियलिस्टिक फोर्सेस. के आइडियाज और पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है बजाय मटेरियलिस्टिक फोर्सेस के. ज़्यादा तरजीह क्योंकि ये थॉट्स, ये जो भी ऑर्डर्स, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं, ये इंसान ने ही सोचे हैं और इंसान का ही पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये इंसान ने सोशली कंस्ट्रक्टेड है. तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है रियलिटी को समझने के लिए. और यहीं पे ही हमारी थ्योरीज एंड होती हैं. और अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी थ्योरीज कंप्लीट हो गई, बाकी ये थ्योरीज किस तरीके से, कहाँ कहाँ हमें किस किस तरीके से कैसे गाइड करती है, ये हम जब हमारे अगले सेशंस और टॉपिक्स होंगे उनमें हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.